छिंदवाड़े के दिलकुश युवक की अचानक रविवार को वरोरा करीब मायगी रेल ट्रैक पर शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार रविवार को सुबह 9:55 के दरमियान ऑफिस में जाने की बात बोलकर हर संतोष मंत्री उम्र 21 लेकविव सोसाइटी क्वार्टर नंबर 306 निवासी घर से निकला। सोसाइटी के बाहर आते ही किसी को हर्ष ने लिफ्ट मांगी व नाका नंबर 10 तक चले गया। वहां से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर दिल्ली से साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेन में हर्ष बैठने का अनुमान लगाया जा रहा है। नागपुर से करीब 10:30 के दौरान हर्ष ट्रेन में बैठा। ट्रेन नागपुर से साउथ की ओर चल पड़ी। वरोरा से नागरी स्टेशन के बीच यह हादसा रविवार को करीब 12:30 दरमियान हुआ। 11:30 तक हर्ष का मोबाइल शुरू था, उसके बाद मोबाइल बंद हुआ। यह भी संदेश दर्शाता है। हर्ष को राजधानी एक्सप्रेस से सफर के दौरान गेट से गिरा या किसी ने गिरा दिया, यह सवाल है। हर्ष को दक्षिण से आने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस की चपेट में आने से हर्ष की मौत हुई। हर्ष के बॉडी के चिथड़े उड़े, करीब 500 मीटर तक बॉडी घिसेटते हुए ट्रेन लेकर गई। बताया गया कि मामला वरोरा थाना क्षेत्र में हुआ, वहीं पर पोस्टमार्टम किया गया। वाड़ी के टेकड़ीवाड़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। हर्ष घर से 1,00,000 रुपए लेकर निकला था। रेलवे कर्मचारी ने घर वालों को फोन कर घटना की जानकारी परिवार को दी। रविवार को 12:35 के दरमियान फोन आया। तुरंत परिवार नागपुर से वरोरा निकलने 2:30 के करीब पहुंचे। हर्ष अकेला लड़का था और 2 बहनें हैं। हर्ष 12वीं तक पढ़ा हुआ था। हर्ष के पिताजी लुब्रिकेंट ऑयल का व्यवसाय करते हैं। हर्ष पिताजी के साथ ऑफिस के काम संभालता था। हर्ष की एक बहन MBA की पढ़ाई के साथ बिजनेस संभालती है। हर्ष की मृत्यु होने से पूरा परिवार सदमे में है। हर्ष का स्वभाव मन मिलाव व दिल खुश था। वह आत्महत्या नहीं कर सकता और वह अकेला इतनी दूर नहीं जा सकता। उसकी किसी ने हत्या कर दी है और पूरे घटना की जाँच होनी चाहिए, ऐसी मांग हर्ष के परिवार ने की है। हर्ष मंत्री के साथ जो हुआ वो एक साधारण घटना नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लड़का था वो ऐसा नहीं, खुद से तो कर नहीं सकता। तो जो भी हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इनका फैमिली मेंबर जैसे ही हूँ और बच्चे को बहुत समय से जानता हूँ। उसका नेचर और जिस हिसाब से वो था, एक लोगों के साथ उसके व्यवहार और जिस तरीके से वो हंसता बोलता खेलता रहता था हमेशा, तो इस हिसाब से गुस्सा उसके अंदर था नहीं, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है जिसकी जांच होनी चाहिए। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।